ऐसे ही हम लोगों के साथ होता है, मुसलमानों के साथ। लेकिन ये है कि अब जब तक हम लोग फील्ड में खड़े नहीं होंगे, सदन में हमारा बोलने वाला नहीं होगा, उसको ढक दो किसी, सदन में जब तक हमारा कोई बोलने वाला नहीं होगा तो हम लोगों की आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। अच्छा, कुछ लोग एतराज करेंगे, देखिए करते होंगे चौक चौराहा, कुछ लोग कहते होंगे कि नहीं अब ऐसे वोट काट रहे हैं उसकी वजह से बीजेपी को फायदा हो जाता है। क्या आप लोगों को लगता है ऐसा चाचा, क्या वैसी की वजह से बीजेपी जीतती है? ये एक रूमर है, रूमर ऐसा है, ये बिहार के अंदर ले लीजिए, बिहार के अंदर में जब 2019 में एमपी का इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी यानी जदयू बीजेपी दोनों मिला करके उन्होंने भी 40 सीट पे खड़े किए थे, और लालू जी ने महागठबंधन ने भी, कांग्रेस के लोगों ने भी 40 सीट पे खड़े किए थे, लेकिन 40 में से 39 सीट पे बीजेपी को फायदा पहुंच जाता, बीजेपी जीत जाती, तो अब ऐसी तो था ही नहीं, कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचा। जैसे बोले यहाँ पे भाईजान बोले कि अब से 10 साल 15 साल पहले 5 साल पहले बिहार के अंदर 6 साल पहले 5 साल पहले तो आइए 10 साल पहले यहाँ पर तो अब ऐसी नहीं आता नहीं। पूरे बिहार पूरे बल्कि भारत में कहिए कि मोस्ट अक्सर स्टेट के अंदर नहीं जाता था, लेकिन कैसे बीजेपी जीत जाती। ये एक ऐसा रूमर है जो लोगों के दिलों के को, जिनका जहन साफ है उसके दिमाग के अंदर एक खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, जो वोट हम दे करके किसी कैंडिडेट को जिता देते हैं, हेलो